चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए, चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप नारियल तेल के साथ इस चीज़ को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी स्किन बेहद टाइट दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी। चेहरे के दाग धब्बे भी आपको रिमूव होते हुए दिखेंगे। कोकोनट ऑयल होता है विटामिन ई से भरपूर, क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही हमारे चेहरे पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि चेहरे पर दाग धब्बे, चेहरे डलनेस हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एंटी एजिंग के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी रेमेडी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मेरे चैनल पर आप लोग को हमेशा नेचुरल रेमेडी ही देखने को मिलता है, तो आज भी मैं आप लोग को नेचुरल रेमेडी ही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एंटी एजिंग की। तो चेहरे पर झुर्रियाँ आना नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो चेहरे पर झुर्रियाँ आना नॉर्मल सी बात है, कि एज के बढ़ते हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ फाइन लाइंस दिखने लगती है। लेकिन अगर हम उसका समय के रहते ट्रीटमेंट करते हैं तो जो झुर्रियाँ हमको टाइम से आनी चाहिए वो आपको थोड़ा और समय बीत जाने के बाद ही आपके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखेंगी। तो उसके लिए मैं आप लोग को नेचुरल ट्रीटमेंट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को टाइट बना सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो। इस रेमेडी से अपने चेहरे के दाग धब्बों को भी दूर कर सकते हो। बिल्कुल 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एंटी एजिंग की समस्या जो होती है लगभग 35 के बाद ही होती है। तो जो 35 एज होने के बाद अगर हम अपनी केयर अच्छे से करते रहते हैं तो हमें जो है कम से कम 45 तक हमारे चेहरे पर कोई भी फाइन लाइंस नहीं आएगी, अगर हम अच्छे से अपनी स्किन केयर करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर जो लोग केयर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है बहुत ज़्यादा एज बढ़ जाने के बाद भी, और जो लोग बिल्कुल केयर नहीं करते हैं उनकी जो स्किन होती है, जैसे जैसे उनकी एज 40 तक पहुंचती है तो उनको चेहरे पर झुर्रियाँ जैसा दिखने लगता ही है। चेहरे पर, चिक्स पर, फोरहेड पर किसी किसी को झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। तो झुर्रियों का इलाज काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं है तो आसान है, लेकिन अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं तो उसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आपको स्टार्ट हुई है तो इस रेमेडी को आप यूज़ कीजिए, डेली यूज़ कीजिए। आई होप, मैं कह रही हूँ दावे के साथ कि आपकी झुर्रियाँ बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी, स्किन बेहद टाइट दिखेगा। तो जैसे कि लेडीज़ों में अक्सर ये देखा गया है ना कि आईब्रो कराने के बाद यहाँ पर जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक मसाज बताऊँगी, जिससे अगर आप मसाज ज़्यादा नहीं, बस वीक में एक बार ये मसाज अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर जो है आपका लूज जो है वो बिल्कुल टाइट में बदल जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट दिखेगी। जैसे जैसे हम आईब्रो करवाते हैं, एज बढ़ती है, तो धीरे धीरे क्या होता है हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज होने लगती है यहाँ पर, यहाँ की स्किन। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, इस मसाज को करेंगे, तो आपकी जो यहाँ की झुर्रियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगी, यहाँ की जो लूज हुई स्किन है टाइट हो जाएगी। तो चलिए, हम देर ना करते हुए आप लोग को रेमेडी बताते हैं और साथ ही साथ में उस रेमेडी के बारे में आप लोग के साथ एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ये रेमेडी ज़्यादा पसंद आती है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यूज़ करने के बाद हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मसाज को करने के लिए आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 ड्रॉप लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और जितना आपने कोकोनट ऑयल लिया है उसमें उतना ही आपको शहद लेना है। शहद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है स्किन को टाइटनिंग बनाने में। शहद एंटीबैक्टीरियल होता है। शहद अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो पिंपल्स, एक्ने नहीं होता है, साथ ही आपके चेहरे को ब्राइट भी करता है। चेहरे के जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको लॉक करके रखता है, चेहरे को ड्राइनेस नहीं आने देता है, चेहरा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। अगर आप अपनी रेमेडी में इस तरीके से शहद का यूज़ करते हो तो अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ इस तरीके से यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को टाइट करने में बेहद हेल्प करेगा। आपके चेहरे पर अगर झुर्रियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आप इस तरीके से चेहरे पर लगाकर मसाज कीजिएगा, और इसे मसाज करने का बेस्ट टाइम है नाइट में। आप नाइट में मसाज कीजिएगा, सोने से पहले आप ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट मसाज करना है, स्टेप बाय स्टेप। आप अपने फोरहेड के पास, चिक के पास, नेक के पास और अपनी चिन एरिया पर मसाज करेंगे, इससे आपकी चिन एरिया भी नहीं बढ़ेगी। और जब हमारी चिन एरिया ज़्यादा बढ़ जाती है, मांस वहाँ पर बढ़ जाता है,
तो जो है आपकी ज़्यादा एज दिखने लगती है, वो ज़्यादा एज को दर्शाने लगता है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप मसाज करेंगे नोज़ पर। अब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि आईब्रो के नीचे जो अंडर आईब्रो होता है वहाँ की स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है अगर आप ज़्यादा आईब्रो करने लगते हो, या कोई भी अगर आईब्रो कर रहा है तो धीरे धीरे स्किन तो लूज़ होगी। तो आपको क्या करना है, यही कोकोनट ऑयल और उसमें आपको शहद मिक्स करके मसाज करके आपको इस तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव करके आँखों की पलक को थोड़ा सा रखना है और ऊपर की जो आईब्रो है अंडर आईब्रो उसको ऊपर की तरफ करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपकी आईब्रो जो है नीचे की जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखेगी और आपकी आईब्रो लटकी हुई नहीं दिखेगी। अगर इस तरीके से आप डेली नहीं केवल वीक में एक बार मसाज कर लेते हो, वो भी जो है एक मिनट, हाँ आधा आधा मिनट करके आप दोनों आईब्रो को कीजिए, इससे आपकी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखेगी और बहुत ही अच्छा हेल्पफुल ये एक्सरसाइज है। इससे अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी नींद भी आएगी। तो ये रहा फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप फेसियल, और इसे लगाने के बाद आपको 7 मिनट मसाज करने के बाद आपको 10 मिनट ऐसे ही चेहरे पर रहने देना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करके सो जाना है। इसे आप ओवरनाइट नहीं रखना है क्योंकि इसमें शहद है, इसे अगर आप ओवरनाइट रखोगे तो अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।